अद्भुत प्रभु, अब तो आपकी धुन पर पहाड़ियां भी पिघलने लगी। गलने लगी है, प्रभु मुरली बजाने में खो गए हैं और उनके साथ ही खो गए हैं सभी सुन्य मनुष्यों, पशु पक्षियों और देवताओं के ही नहीं, जड़ चेतन किसी के लिए को रोक पाना संभव नहीं होगा। कहीं प्रभु की इस मनमोहक मुरली की धुन पर सारा ब्रह्मांड ही ना पिघल जाए। गाना मेरी बस एक इच्छा है, ऐसे चिन्ह मेरे हर भक्त के हृदय पर हो। आपके पद चिन्ह तो सदैव से ही आपके भक्तों के हृदय पर छपे हुए हैं प्रभु, पर इस पहाड़ी ने भी अब इसे अपने मन में बसा लिया है, तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। कान्हा, तू हमारे पास से वहां कैसे चले गए? हमें तो पता भी ना चलो। मैं कहीं ना गया था उज्जवल, और ना ही कहीं जाऊंगा, सदैव यही रहूंगा मैं, तुम सबके पास, तुम सबके मन में। अरे कोई असुर मुझे तुम सबसे दूर ले जाने का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। भले ही कितनी भी लीला क्यों न रच ले वो, आज उस छलिया कहलाने वाले विष्णु का सामना सच्चे छलिया से होगा। काना, तू कहाँ भटक गयो? तो नहीं सखा, मैं तो भटके हुए वो मार्ग दिखा रहा था। फिर से कहीं मत चले जाइयो, बहुत कठिनाई से फिर से तेरा साथ मिलवाया हमें। कान्हा, तो इतने दिन बाद आए हो है, आज हम केवल गैया ना चराएंगे, कछु आनंद भी लेंगे आज। किसो आनंद? मैंने मारा और गैया सरा के घर दूल्हे से पहले ही सीधे सीधे सब घर सलो। वैसे भी वन में बहुत भय लगता है मुझे। किस बात का भय? इतनी शीघ्र बोल गए,
अभी कुछ दिन पहले ही तो उस असुर ने और देवताओं में कितने विसर युद्ध हुआ था। हाँ हम शीघ्र घर जाएंगे। अरे वसंता, वो युद्ध ना था, सब बड़े बड़े देवता हमारे सखा कान्हा को बचाने आए थे। तू ही सोच, जिसकी रक्षा सारे भगवान मिलके एक साथ करते हैं, वो कान्हा हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय? वो कान्हा हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय? तुम सब भी कौन सी बात लेकर बैठ गए हो, ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे? चोर प्रहरी खेले। चोर प्रहरी? हाँ, इस पे एक जन प्रहरी बनते हैं और शेष बनते हैं सब चोर। और चोर का कार्य होगा भागना और छुपना, और प्रहरी का कार्य होगा चोर को पकड़ लेना। अरे वाह कान्हा, क्या खेल बतायो है, इसमें तो बहुत आनंद आएगा। ये खेल भले ही तुम सब खेलोगे बालकों, पर आनंद तो मैं ही लूंगा। ये सिक्का छलिया, मायावी छलिया। छलिया तो बहुत भयानक होतो है, तुम्हारे जैसा थोड़ी दिखता है। हाँ। मुझे मूर्ख समझते हो तुम, 100-100 छलियाएं देखे हैं मैंने। हाँ। पर मैं उनसे ना घबराता हूँ, उनको मुझसे भय लगतो है। हाँ? सच? और नहीं तो क्या, मैं हुई इतना अनोखा, इतना वीर। तुम्हें विश्वास ना हो रहा है तो चलो मेरे सखाओं से पूछ लो। वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो उज्जवल। सौ छलिए देखे हैं इसने। किसे देख रही हूँ कान्हा? उज्जवल को। कहाँ चले गया वो? चिंता मत करो कान्हा, उज्जवल यही कहीं होगा, आ जाएगा। क्या हो गया कान्हा? तूने कही थी ना कि हम चोर प्रहरी खेलेंगे, तो खेल क्यों ना रहो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे तुम कहाँ रह गए थे? वो ये देखो ना, मुझे क्या मिला, सिक्का। दीदी दिखा दिखा। ना ना ऐसे ना, ये सिक्का मैं उछालूंगा और जिसके हाथ में आया वो बनेगा प्रहरी, और अन्य सब
चोर यदि मैं प्रहरी बन गया तो बहुत सरलता से इस कृष्ण को पकड़कर गुफा में ले जाऊंगा और वहीं इसकी हत्या कर दूंगा। इसे इसके ही यंत्र में फंसाना होगा मुझे। मैं प्रहरी, तुम सब चोर। कोई बात नहीं कृष्ण, अब इस उज्जवल की तरह पहले तुम्हारे सारे सखाओं को फंसाऊंगा मैं और फिर ले जाऊंगा तुम्हें। आंखें बंद कर कारा। अकेला रह गया ये, अब फंस गया ये। सुबल इन सब का तो मुझे पता नहीं, परंतु मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इस खेल में। बसंता, ये तो एक एक करके सभी बालकों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। प्रभु ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? प्रभु की हर लीला का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यदि वो इस असुर को इन निर्दोष बालकों पर अत्याचार करने से नहीं रोक रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। श्रीदामा, Thank you.
अब केवल दो ही बालक शेष बचे हैं, दोनों को पकड़कर ये खेल ही समाप्त कर दूंगा। तो छलिया है, माया भी छलिया। मेरे सभी सखाओं को शिकार बना लिया इसने, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कान्हा, 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 छलिया हो तुम, तुमने मेरे सखाओं का अपहरण किया है। मैं छलिया ना हूँ ना, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, आपका कान्हा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है दोष, तुम छलिया ही हो, रूप बदल बदल कर मेरे सखाओं का अपहरण कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो दाऊ, आप ही मुझे नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? कान्हा, ये नहीं, मैं हूँ वास्तविक बलराम, तुम्हारा दाऊ। इसके बहकाव में मत आना कान्हा, ये चलिया। बुद्धिमान बालक, केवल तुमने ही पहली बार में माना है कि मैं ही वास्तविक छलिया हूँ। पर हम तुमसे भयभीत नहीं है दोष, इसी क्षण हमारे सखाओं को मुक्त कर दो। अच्छा, यदि इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाओ छुड़ा लो अपने सखाओं को। बालक, पर मैंने तो पहले ही तुम्हारे सखाओं को उस कंदरा में पहुंचा दिया है। बेचारे इस समय घबरा के रो रहे होंगे, सहायता की भिक्षा मांग रहे होंगे। जानते हो तुम उन सबका अपहरण क्यों कर पाए? क्योंकि मैंने तुम्हें करने दिया ताकि मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए। अच्छा, नाव आओ जाके सखाओ को बचाओ, दुष्ट के लिए मैं पर्याप्त हूँ। कान्हा, पीछे मुड़ के मत देखना कान्हा। अपने सखाओं की तरह अब तुम भी फंस गए कृष्ण। अच्छी कलाकारी कर लेते हो मेरा सर। किसे सिखाया सा स्वांग करना? स्वांग नहीं, माया है ये। ये विद्या मैंने अपने पिताश्री से सीखी है, माया के महान आचार्य
मायासुर। तो तुम मायासुर के पुत्र हो, पर जिसके सामने ना माया जाल बुनने का प्रयास कर रहे हो, ये माया के स्वामी है। ये मायाधर विष्णु है ये। जाओ आप सखाओं को बचाओ, मैं इनका सामना कर लूंगा। पर काना, अभी आप ही ने तो कहा था माया का स्वामी हूँ मैं। ये तो मथुरा का व्यापारी है। इसको अर्थ वो जो था वो सच में छलिया हो तो यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे छल के वार से बच गए हो तो मुझसे भी बच जाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कृष्ण। मेरे पास बहुत सारे मायावी अस्त्र हैं जो क्षण भर में ही तुम्हें विष्णु लोक पहुंचा देंगे। फिर प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? बालक, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है, तभी तो कह रहा हूँ सिग्नल दिखाओ ना। मुझे तुम्हारे सारे मायावी अस्त्र देखने हैं। कैसे बालक हो तुम? मैं यहाँ खेल दिखाने नहीं आया हूँ। उस समय व्रत क्यों कर रहे हो ब्रह्मासुर? जो करने आयो वो ही करो ना। अब देखो कैसे तुम्हारे प्राण एक ही वार में इस देह का साथ छोड़कर उड़ जाएंगे। मेरी मायावी अग्नि तुम्हारे भोले भाले से इस मुख को जलाकर भस्म कर देगी। बोला बाला तो दिखता हूँ मैं। मैया भी यही कहती है। उपहार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मासुर। बहुत समय से खड़े खड़े थक गया था मैं। तुम्हारी यही जिज्ञासा आज तुम्हारा अंत करने में सहायक बनेगी मूर्ख बालक। छालन करना चाहती थे तो पहले क्यों नहीं बताया? मुस्कुराना बंद करो, तुम्हारी ये हंसी मुझे कांटों की तरह चुभ रही है। पर मैया तो कहती है कि मेरी मुस्कुराहट फूलों की तरह है। Ooh.
तो इन्हीं फूलों की तरह है। और तुम कर क्या रहे हो मास्टर? कभी आसन दे रहे हो, कभी पद प्रक्षालन कर रहे हो, और अब फूल भी चढ़ा दिए। तुम मुझ पे वार करने आए हो कि पूजा करने? तुम्हारी पूजा तो मैं अब ऐसी करूंगा कि तुम मृत्यु के बाद भी मुझे भूल नहीं पाओगे बालक। कान्हा, ये चट्टान तो मुझसे हिली ना रही। अभी कंदरा के अंदर कुछ क्षणों में ही प्राण वायु समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे सारे सखा एक एक कर अपने प्राण त्याग देंगे और तुम्हारा वध करूंगा मैं। अरे सज्जन बच के रहना। छलिया आया हुआ है वृंदावन में। क्या हुआ? अरे छलिया आया हुआ है वृंदावन में। मायावी छलिया। अरे क्या हुआ? कौन छलिया? मायावी छलिया, सबको छलता है वो। हाँ कुछ भी कर सके है वो, बहुत भयानक। अरे भानु ठहर जरा, क्या हुआ? बहुत भयानक है वो, बच के रहना सब लोग। अरे भेष बदल ले तो है वो। हाँ। क्या हुआ? छलिया है वो। अरे मेरी बात तो बताओ। रानी भाभी, रानी भाभी, कान्हा घर पर ही है ना? ऐसे भड़बड़ा क्यों रहे हो? कोई भूत देख लियो है क्या? भूत ना भाभी, छलिया से भेंट हो गई। सच्ची का माया भी छलिया है भाभी। क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो, ठीक से बताओ। अब बोलो भी। वो कान्हा के पीछे पड़ो है वो। मेरे लल्ला के पीछे? हाँ रानी भाभी, हमारे अचेत होने से पहले हमने उसे जय कहते सुना था कि वो वृंदावन आने वाला है कान्हा से मिलने। हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। यशोदा जी, जी मायावी छलिए से बचना बालकों के बस की बात ना है। जी जी, बालक वन में अकेले हैं। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। ताऊ, अपनी क्षमता अपना सामर्थ्य स्मरण करो। पहले कि वो कंदरा का द्वार खोल के तुम्हारे सखाओं को बाहर निकाले, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा कृष्ण। कितनी पूजा करोगे ब्रह्मासुर? प्रभु तो खेल खिला रहे हैं इससे, और ये खेले जा रहा है विवश होकर, उनकी माया से बाध्य होकर।
प्रभु के सामने माया करने आया था वो स्वयं को ही माया में उलझा हुआ पा रहा है। नारायण नारायण। लो अब तो तुमने दंडवत प्रणाम भी कर लिया, माया भी कथा भी उपहार में दे दी। तुम चाहते क्या हुआ मासूर? मेरी शरण में आना है क्या? सोच विचार का समय ना है हमारे पास। अपने बालकों की रक्षा के लिए इसी क्षण में निकलना होगा। और वो छलिया किसी का भी रूप धारण कर सकता है। सुलक्षणा तेरा, शांति तेरा या मेरा, किसी का भी रूप धारण करके हमें भ्रमित कर सकता है। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। समझ आई? चलो। अभी भी समय है रामासुर, समय जाओ। यदि मैया आ गई तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मुझे दूध का कोई लाभ नहीं होगा रामासुर, स्मरण करो तुम कौन हो। मायासुर का पुत्र हूँ मैं, अपने स्वामी महाराज कंस का सेवक हूँ और तुम्हारा हूँ मैं कौन? बाबा कहते हैं दुष्टों को पहले बातों से समझाना चाहिए, फिर भी ना माने तो अस्त्र ना उठाना कायरता होती है। पता था मुझे अपने बाबा के स्वरूप को हानि नहीं पहुंचाओगे। सही कही तुमने, पिता की छवि ही पिता के समान भी आनंदीय होती है। रामासुर रामासुर, ये मैं अपने वास्तविक रूप में कैसे आ गया? मेरे बाबा का स्वरूप नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। मैया ने सिखाया है भूल को क्षमा किया जा सकता है, पर जानबूझ के किए गए अपराध के लिए दंड ही एकमात्र निकाल होता है। ये बार बार अपनी मैया का नाम ले रहा है, यदि मैं वो स्वरूप लूं तो अपनी मैया पर वार नहीं कर पाएगा ये।
लल्ला, मैं तेरी मैया हूं, अपनी मैया को मारेगा? बच गया। समझाया था। पर तुमने एक बार फिर से मूर्खता करी दी। इस पर तुमने पहले से भी बड़ी और पहले से भी भयंकर भूल किया हुआ महसूस। ये क्या हो रहा है मुझे? बार बार मेरा रूप क्यों बदल रहा है? ममता को समझे बिना अधिक समय तक मैया का स्वरूप हरण करके नहीं रख पाओगे मामा सुन। के क्रोध से धरती भी कांपने लगी है। पुत्र को मारने के उद्देश्य से एक माँ का रूप लिया तुमने। ये ममता का और मेरी मैया का घोर अपमान है। रामासुर, इससे पहले इस असुर के कारण निर्दोष प्राणियों का कोई अहित हो, मुझे कुछ करना होगा। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। दाऊ, अपनी क्षमता अपना सामर्थ्य स्मरण करो। अद्भुत बल दाऊ, अद्भुत। अपने बल का उचित प्रयोग करके आपने प्राणियों को हानि होने से बचा लिया और यह भी सिद्ध कर दिया कि इस युग में आपसे अधिक बलवान और कोई नहीं होगा। आज से आप बलदेव के नाम से भी जाने जाएंगे। आपके चरणों का ये चिन्ह युगों युगों तक आपके बल की कथा कहता रहेगा। बलराम का चरण चिन्ह। मेरी माया से आज तक कोई नहीं बच पाया है। एक बार मुझे छोड़ कर देखो, फिर पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। पहले ये तो देख लो कि मैं कौन हूँ। वर्षों की तपस्या के बाद तुम्हारे तप की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी और फिर सच्चे तपस्वी की धूप में तुम्हारी ख्याति से प्रभावित होकर महर्षि उलट तुमसे भेद करने आए। राजा भीमरथ, आपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया पर अपना अभिमान नहीं छोड़ पाए, इसीलिए मेरे आगमन पर सम्मान के साथ खड़ा होना तो दूर
मेरा अभिवादन भी नहीं किया। अभिमान तपस्वी का गुण नहीं होता है राजन, अभिमान राक्षसी गुण है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अगले जन्म में एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे, एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। मैं तो यहाँ पर शांति की खोज में आया था। अपने भीतर के संसार में गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी भूल का आभास प्रायश्चित की ओर पहला पग होता है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु आपको एक वचन अवश्य दे सकता हूँ। जब भी प्रभु नारायण का अवतार होगा, आपको उचित समय पर वो वरदान देंगे जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे पता चल गया है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मुझे वो शांति प्रदान कीजिए जिसकी खोज में मैं वर्षों से भटक रहा हूँ। शांति तो मोक्ष में ही है, इसीलिए मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। प्रभु की ये लीला सदैव स्मरण रखी जाएगी। इस स्थान को इनका आशीर्वाद मिलेगा और इस कंदरा को व्योमासुर की कंदरा के रूप में पहचाना जाएगा। भविष्य में अनेक ऋषि मुनियों की शरण स्थली बनेगी ये कंदरा। ये कोई साधारण बालक ना है। ऐसा चमत्कार कोई साधारण बालक थोड़ी ना कर सकते है। तुम सत्य कह रहे थे बलराम, कान्हा सच्ची में भगवान ही है। तभी तो सब देवता इसे बसाने और इसकी ओर से युद्ध करने आते हैं। तुम सब ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रहे होंगे? बलराम तुम बलवान हो और कान्हा भगवान है। दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा है, ना जाने किस हाल में होंगे बालक। कहीं हम ही तो मार्ग ना भटक गए शीघ्रता के चक्कर में। अब तो एक पग भी ना चलो जा रहे हो। जल, किसी के पास जल है क्या? कंठ तो मेरा भी सूख रहा है मौसी। भाभी निकट ही जमुना जी है, कहूँ तो वहां से जल ले आओ। मैं भी जा रही हूँ भाभी, एक से भले दो। हाँ चल, शीघ्रता से आओ। हाँ। जानकी, जानकी, क्या होगा इसे? देखो ना जी, अब छलिया की सूचना मिलते ही हम सब बालकों को ढूंढने चली गई और ढूंढते ढूंढते सबको बहुत प्यास लगी आई जी। तो जानकी जमुना जी की नदी से जल लेने गई और इसने जमुना जी का पानी पिया और उसकी उसकी जेदशा हो गई। बालक कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ऊपर ऊपर से सब ठीक है,
पर भीतर से बहुत भयभीत है सब। जानकी तो बिल्कुल नीली पड़ गई है, लगता है विष फैल गया है इसका पूरे तन में। मथुरा के सर से विदेह जी को बुलाए गए हैं उसके उपचार के लिए। जैसे ही इसने जल को मुंह से लगाया जे गिर पड़ी, चटपटाने का अवसर भी ना मिलो। हाँ वैद्य जी, और निकटी मृत पशु भी पड़े हुए थे। हाँ मैंने भी अस्थियां देखी थी। इसका तो यही अर्थ हो सकता है कि समस्या वहाँ के जल में ही हो। वैद्य जी आप रोगी की नाड़ी पे ध्यान दो ना, जे गोपिया क्या कह रही उसे सुनने की आवश्यकता ना है। जब तक विष के कारण का पता नहीं चल जाता हम उपचार कैसे कर सकते हैं रानी जी? जी वो निकट ही यमुना जी में एक विशेष क्षेत्र है, जे सब उसी के जल की बात कर रहे हैं। तब तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी विषैले सर्प के काटने का प्रभाव हो। पर सर्प के काटने का चिन्ह ना है उसके तन पे। सर्प जब काट तो है तब उसके दांत के चिन्ह बन जाते हैं, मुझे पता है, बड़े बड़े सर्प को काटते हुए देखो है मैंने। एक दिन अब बस कर उज्जवल, जे बड़ी बड़ी हाँकने का समय ना है। पर यदि सर्प ने ना काटो है फिर जानकी की ये दशा किसने की? अवश्य किसी राक्षस ने की होगी। नाना कोई विषैला पशु भी तो हो सकता है, या अवश्य किसी माँ विषैले सर्प के विष से हुआ है। सर्प ने भले ना काटा हो लेकिन ये अवश्य ही किसी महाविषैले सर्प के विष के कारण हुआ है। कालियानाग। कालियानाग? संकेतों से तो ऐसा लगता है कि जानकी ने कालियानाग के क्षेत्र के विशाल जल पी लियो है। कालियानाग एक लोक श्रुति है, कल्पना में गढ़ी हुई एक कथा, और कछु ना है। हमें जाके पता लगाना पड़ेगा। पर हमें वहां जाने से मना किया है ना बड़ो ने। उज्जवल सही कह रहे हो है, इस समय जानकी के स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। जानकी हमारे लिए ही जल लाने गई थी जी, ना मैं उसे जाने देती ना जैसा वो। तो वैद्य जी आप शीघ्र कछु करो, कैसे भी कछु भी करो पर इसके प्राण बचा लो। यशोदा धैर्य रखो, श्री नारायण पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे। विष की काट की मेरे पास जितनी जड़ी बूटी थी मैंने सब अर्क बना के पिला दी, पर इसकी दशा में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ये अंतिम जड़ी बूटी है, अगर इससे भी चमत्कार नहीं हुआ तो फिर जो नारायण की इच्छा। पर कोई तो उपाय होगा जानकी को बचाने का। कान्हा यदि तुझे किसी औषधि के बारे में पता है हमें बता दे, हम जाके ले आएंगे। हे नारायण, हे प्रभु, मेरी जानकी के प्राण बचा ले प्रभु, ना तो मैं अपने आप को कभी क्षमा न कर पाऊंगी। जे सारी मेरे ही कारण मनाई थी, उसकी रक्षा करो प्रभु, मेरी पुकार सुन। कान्हा तूने हमें वत्सासुर से बचाया था ना, और वकासुर से भी तो, और छलिया से भी तो तूने ही बचाया था ना हमें। क्या ऐसा कोई उपाय ना है जानकी को बचाने का? धनवंतरी मैं आ गया हूं प्रभु, चिंता मत कीजिए, आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। यशोदा मैया। नहीं
मैया आपको कोई पुकार रहा है। चिंता मत करो मैया, अब धनवंतरी जी आ गए हैं, वो सब संभाल लेंगे। धनवंतरी जी कौन है? जिन्होंने संसार का आयुर्वेद दिया, आरोग्य के देवता, वे श्री नारायण के अवतार। मुझे पता चला है कि आपको वेद की आवश्यकता है। हाँ, भीतर आइए। आइए आइए बैठे जी, जी रहे। मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य अर्थात मैं यहां आ चुका हूं और रोगी को जितनी औषधि की आवश्यकता थी सब दे चुका हूं। निश्चित रूप से आपने विष की काट के लिए बहुत ही उत्तम अर्क तैयार किया है, इसीलिए किसी और वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किंतु आप अकेले कितना कुछ करेंगे वैद्यराज, मुझे अपना सहायक ही बना लीजिए। पर जो करना था मैं पहले ही कर चुका हूं। हाँ वो तो आप कर चुके हैं, बस रोगी के तन से विष निकालना शेष है ना वैद्यराज? हाँ हाँ बस वही शेष है। इनके रक्त को विष रहित करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। पहले ये संजीवनी मानी जाने वाली इन लाल फूलों की बूटी को भी घिसना है ना? हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, इसे अच्छे से घिसो। ये नीले फूलों को भी तो मिलाना है ना? हाँ हाँ अच्छे सहायक बन सकते हो तुम, ऐसे ही श्रम करते रहो। स्वस्थ हो जाएगी ना धनवंतरी जी? धनवंतरी प्रभु अब मैं क्या करूं, आपने तो स्वयं ही मेरी पहचान उजागर कर दी। जे क्या करो कान्हा, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मैया कहती है ना सभी वैद धनवंतरी जी का ही रूप होते हैं। वाह कृष्णा चतुर तो हो तुम। वैसे वास्तविक धन्वंतरी मैं हूँ, मेरा अर्थ है वास्तविक वैद्य मैं हूँ। ये तो मेरा सहायक है, मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे ही थोड़े ना मुझे मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहते हैं लोग। यशोदा भाभी, यशोदा जी जानकी को चेतना आ गई। जानकी 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 तू ठीक है ना? क्षमा करना भाभी,
मैं आपके लिए जल ना ला पाई, बस बहुत भूख लगी है। मैं अभी कुछ लाती हूँ। जानकी माखन खाओगी? आजा तू ही खिला दे लल्ला। सब मेरे लल्ला को माखन चोर कहती हो ना, आज देखो अपना ही माखन जानकी को खिला रहे है। थोड़ा और विश्राम कर लो। सदैव तू हम सबकी सेवा करती हो, आज मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जानकी की जीत ऐसा तब हुई जब जय यशोदा काकी की सेवा कर रही थी, और अब देखो स्वयं भगवान ही इसकी सेवा कर रहे हैं। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है? जो भी यशोदा मैया की पूजा करेगा, अर्थात अपनी माता पिता की सेवा करेगा, उनके साथ सम्मान से व्यवहार करेगा, ईश्वर स्वयं उसका ध्यान रखेंगे। कभी धन्वंतरी के रूप में तो कभी स्वयं कान्हा के रूप में। भक्त और भगवान का देखो कैसा ये अनुराग, स्वयं करे सेवा प्रभु, अद्भुत गोपी का भाग्य। प्रभु इन सब पृथ्वीवासियों से कितना घुल मिल गए, ना तो ये प्रभु को भगवान मानते हैं और ना ही प्रभु अपने आप को इनसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। अपने आचरण से ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये सभी में हैं और सभी इनका ही अंश है। प्रभु अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जब से कान्हा का जन्म हुआ है ना, मैं तब से देख रही हूँ, तब से हम पे कोई भी संकट आती है ना, तो अचानक से कोई अपरिचित हमारी सहायता करने आ जाता है, और जाते समय कान्हा की आज्ञा लेके जाता है, और कभी कभी तो इसे प्रभु बोल के जाता है। बाबा संभालो। संकेत तो अच्छे हैं, कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धन्यवाद वैद्य जी। बस तो फिर हम कल पकड़ पकड़ाई खेलेंगे जानकी। भानु बंसी जाकर उस क्षेत्र के चारों ओर बाड़ बनवा दो और वहां सूचना पट भी लगा देना, ताकि जानकी के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। शीघ्र जाओ। जी ठीक। आड़ और सूचना पट लगवाने से समस्या का समाधान नहीं होगा बाबा। निर्दोष पशु सूचना पट देख कर भी कुछ समझ नहीं पाएंगे।
तो तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि व्योमासुर मारा जा चुका है और वो बालक अब भी जीवित है। हाँ महाराज, मैंने गोप बालकों को कहते सुना था कि कृष्ण ने छलिया को मोक्ष दे दिया है, पर वृंदावन सुरक्षित नहीं है महाराज, वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कैसी समस्या? गांव के निकट क्षेत्र में किसी विषैले सर्प का निवास है, उसके विष का प्रभाव इतना भयानक है महाराज, जैसे विष ना हो स्वयं हलाहल हो। मेरी कोई भी औषधि रोगी का उपचार नहीं कर पा रही थी। निकट के क्षेत्र में कहां कहां है वो सर्प? गोप मानते हैं कि वो सर्प गांव के निकट यमुना नदी के जल में रहता है। मुझे तो लगता है महाराज, ये कालिया नाग की कथा कोई किंवदंती या लोकश्रुति नहीं, एक सच्चाई है, एक विषैली सच्चाई। कालिया का सामना करने का समय आ गया है, पर उससे पहले मुझे बुलाना होगा उन्हें। संसार के दारुण भय का नाश करने वाले, सभी कष्टों का हरण करने वाले, विश्व का समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, कमल जैसे लोचन मुख और चरणों वाले आजानुभूत श्री राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपदा मपहरता रम दाता रम सर्व संपदा लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। काग पुसोंडी। प्रभु क्षमा करें, मुझे जाना होगा। प्रणाम प्रभु। अनेक बार मैं आपके दर्शनों के लिए आया प्रभु, कभी नंद भवन के झरोखों से आपके दर्शन करके चला जाता था, तो कभी दूर किसी वृक्ष की आड़ से आपको निहार लिया करता था। आज आपने स्वयं मुझे बुलाकर धन्य कर दिया प्रभु। मैंने आपको यहाँ एक विशेष कारण से बुलाया है। आपके श्राप से इस कालिया नाग को मुक्त करने का समय आ गया है। ये तो बहुत ही उत्तम समाचार है प्रभु। इतने वर्ष बीत गए, मुझे आज भी स्मरण है वो दिन जब मैंने उन्हें श्राप दिया था। अपने क्रोध पर नियंत्रण खोकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी मैंने प्रभु। बीती हुई घटनाओं पर दुखी होके कोई लाभ नहीं है, हमें भविष्य की ओर देखना होगा। आदेश कीजिए प्रभु, क्या आज्ञा है आपकी? जब मैं कालिया नाग का सामना करने जाऊं, तो आप यहीं रहेगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कब क्या करना है। और हाँ, लौटते जाते समय नारद मुनि से कहेगा, वो आकर मुझसे भेंट करे। अवश्य प्रभु, प्रणाम। क्या इसने सच्ची में देवर्षि नारद को बुलाया है? नारायण नारायण, आपको संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं थी, आप स्मरण करते और मैं चला आता। तुम्हारा कल्याण हो नारद। मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए बुलाया है। आज्ञा दीजिए प्रभु। तुम्हें एक बार फिर कंच से भेंट करनी होगी। विचार कीजिए महाराज, क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आठवीं? उस दुष्ट से भेंट करना स्वयं कीचड़ में उतरने के समान है प्रभु। कमल पुष्प प्राप्त करना हो
तो कीचड़ में उतरना पड़ता है नारद। आपका आदेश तो मैं स्वप्न में भी नहीं टाल सकता प्रभु। कंस कालिया नाग के बारे में जान गया है, पर वो उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाएगा। मैं आतुर हूँ प्राप्ति, मूर्ख नहीं, मेरी बुद्धि फिर नहीं गई है। मैं स्वयं उस कालिया जैसे महाविषैले सर्प के सामने खड़ा हो जाऊं और अपने ही काल को आमंत्रित कर लूं। तो फिर अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करने का कोई और उपाय सोचिए स्वामी। कुछ ऐसा कीजिए कि यमुना नदी का पूरा जल विषैला हो जाए और वृंदावन वासी उसका उपयोग करें, और आपका काल कहलाने वाला वो बालक स्वयं काल के गाल में चला जाए। उत्तम उत्तम सुझाव है प्राप्ति। अब मुझे उस कालिया तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना होगा, उसको विवश करने का कोई उपाय ढूंढना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उससे भेंट करना असंभव है, असंभव। आप सही कह रहे हैं प्रभु, कंस में उतना सामर्थ्य नहीं कि वो कालिया नाग का सामना स्वयं कर सके। वैसे तो कालिया गरुड़ देव का भी सम्मान नहीं करता, तो फिर वो कंस का सम्मान क्यों करेगा भला? नहीं करेगा, पर कंस तुम्हारा सम्मान अवश्य करेगा। नारद तुम्हारी बातें भी सुनेगा और मानेगा भी, ये मेरी योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तुम कंस के पास जाओ और कहो कि संतान अपने माता पिता को तीर्थ का सौभाग्य दिलाती, पर मेरा लल्ला कितना महान कि उसने हमारे घर को ही तीर्थ बना दियो। ऐसा तीर्थ जहां मेरी आंखों के सामने भक्त और भगवान का मिलन हो रो है। जो आज्ञा प्रभु। बाबा कान्हा, ये सब क्या चल रहा है? पहले काब दुसुंडी जी और फिर जी नारद जी, क्या योजना बना रहे हो तुम? कान्हा बता ना लल्ला, क्या सोच रहे तू? कान्हा देख, अगर तुझे अपने बाबा को ना बताना हो ना, अपने भक्त को बता दे। क्या सोच रहे हो लल्ला, क्या करने वाले हो आप? आप इतने दुखी क्यों हो कान्हा? कान्हा क्या हो गो? क्योंकि मुझे आभास हो गया है बाबा, समय आने वाला है। कौन सा समय आने वाला है लल्ला? सीधे सब कुछ बदलने वाला है, मैया को मेरा सत्य पता चल जाएगा बाबा। पर लल्ला इसका काग भुसुंडी और कालिया नाग से क्या संबंध है? ऐसा क्या हुआ था और क्या होने वाला है? जो होने वाला है बाबा, उसका संबंध उससे है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। महर्षि गुरुगु के एक वंशज थे वेद शिरामुनि, जो विंध्याचल की पहाड़ियों में साधना कर रहे थे। तभी वहाँ अश्वशिरा नाम के एक दूसरे मुनि आमंत्रण के बिना ही आ गए। कितना सुंदर और शांतिपूर्ण आश्रम है, यहाँ प्रभु की साधना करने में बहुत आनंद आएगा। शीघ्र ही अश्वशिरा मुनि उपस्थिति के कारण
होने वाले व्यवधान से बाध्य होकर वेद चीरा मुनि ने अपनी आंखें खोली। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आपके आश्रम में बहुत शांति है मुनिवर, साधना करने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है ये। मैं चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ। आप यहाँ साधना करना चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं जानते कि किसी के आश्रम में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। आप ये भी नहीं जानते कि यदि कोई यज्ञ कर रहा हो तो बिना अनुमति के वहाँ प्रवेश करने से उसकी यज्ञ साधना भंग हो सकती है। आप क्या साधना करेंगे मुनि? आप तो साधना के योग्य ही नहीं है। इतना अपमान, एक मुनि के मुख से इतने कड़वे शब्द शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जितनी विषैली तुम्हारी जिभ्या है उतने ही विषैले सर्प बन जाओ तुम। और ऐसा सर्प जो सांस भी ले तो निकट का वातावरण दूषित हो जाए। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी क्षण कौवा बन जाओ, और ऐसा कौवा जो काँव काँव करके अनर्गल प्रलाप करता रहे। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? क्रोध के कारण दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। पर दोनों ही मेरे भक्त हैं, और भगवान होकर मैं अपने भक्तों को इतनी कठिनाई में कैसे देख सकता था? इसीलिए जिस संकट में उन दोनों ने अपने आप को फंसा लिया था, उसका समाधान करने में मैं उनके पास गया। देखिए ना प्रभु, ये क्या हो गया हमसे? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, मार्ग दिखाइए हमें। क्रोध पर नियंत्रण ना होने के कारण आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही भीषण संकट में डाल दिया है। आप दोनों ही तपस्वी, तप के बल से दिए गए आपके श्राप को लौटाना भी संभव नहीं है। प्रभु कोई तो उपाय होगा, हम आपके शरण में हैं प्रभु। अपराध तो हमसे हुआ है प्रभु, पर अब आपसे ही आशा है। कुछ ऐसा कीजिए भक्त वत्सल, जिससे हम दोनों के श्राप का प्रभाव कुछ कम हो जाए। आप दोनों ही मेरे भक्त हैं, इसलिए आपकी पीड़ा का निवारण करने का एक उपाय है मेरे पास। वेद शिरामुनि, जब आप कालिया नाग बनेंगे तो आपको मेरे चरणों को अपने शीश पर धारण करने का सौभाग्य मिलेगा। और अश्र शिरामुनि, आप काग योनि होने के बाद भी आप श्रेष्ठतम ज्ञान और सर्वाधिक यौगिक सिद्धियों के स्वामी होंगे और प्रवचन दिया करेंगे। इसके बाद अश्व शिरामुनि काग भुसुंडी बन गए, जिन्होंने आगे चलकर सेम गरुड़ देव को रामन सुराई, और मुनि वेद शिरा महर्षि कश्यप और देवी कत्रियों के पुत्र कालियानाग बनकर जल में। और अब वही कालियानाग जमराज में, जिनके कारण जानकी के प्राण लगभग चले ही गए थे। अब कालियानाग को उचित स्थान पर भेजने का समय आ गया है बाबा। पर ये तो अच्छी बात है कान, वेद शिरा मुनि को दिया हुआ तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा, जमुना जी की शुद्धि भी हो जाएगी। इस सब के बाद भी तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि इसके बाद मैया के सामने मेरा रहस्य खुल जाएगा बाबा। उन्हें पता चल जाएगा कि उनका बालक कोई साधारण बालक ना है, भविष्य में जो होने वाला है उसे सबके सामने घटने से रोकना मेरे लिए भी संभव ना होगा। मैया को सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा रे मुझे? यही कि सबसे अधिक प्रेम मैं आपसे ही करता हूँ। अब बस भी कर, चलो भोजन के लिए बुलाने आई थी तुम दोनों को, भूखा थोड़े ना रहने दूंगी अपने लल्ला को। मेरा लल्ला दुर्बल हो जाएगा ना। आप खिलाओगे तो ही खाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं ही खिलाऊंगी। अब चल आओ जी, चल। मैया खेलो ना मेरे साथ।
भैया सुनो ना, मेरी बात ना मानोगी? अभी बहुत कार्य पड़े लल्ला, देख जानकी को औषधि भी देने जानो है ना। औषधि मैं दे दूंगा, फिर तो खेलोगी ना आप मेरे साथ। पिछले कुछ दिनों से अपनी मैया का अधिक से अधिक प्रेम पाने का प्रयास करो है काना। इसका तो एक ही अर्थ हो सकता कि कछु बहुत बड़ो होने वालो है। कान्हा रुक जा लल्ला। कान्हा क्यों तंग कर रहे मैया को, पहन लेना। कान्हा कान्हा जे क्या करो तूने? अच्छा ठीक है, अब मुंह लटकाने की आवश्यकता ना है। ये ले। को खिजाए खेले रूठे मनाए, लीला अनोखी करके शरारत कान्हा दंड भी पाए। रूठना मनाना खेलना खिलाना, पहले शरारत करके क्रोध दिलाना और फिर क्षमा मांग लेना, ये सब जानबूझकर कर रो है कान्हा। जैसे जीवन भर के लिए अपनी मैया की ममता को अपने हृदय में समेट कर रखना चाहते हो। कैसे कैसे करूं उस कालिया से मित्रता, कैसे करूं उसका उपयोग? उस पर आक्रमण कर देता हूं और उसे किसी ना किसी तरह से यह विश्वास दिला देता हूं कि यह आक्रमण उस विष्णु अवतार ने किया है। फिर वो क्रोध में आकर सारे वृंदावन वासियों को अपने विष से समाप्त कर देगा। उचित है, यह उचित है। नारायण हरि, नारायण हरि। नारायण हरि, नारायण हरि। प्रणाम देवर्षि। किस योजना में कितना लाभ है और कितनी हानि, यह आंकलन करते करते थक गए होंगे मथुरा नरेश। देवर्षि, आज मेरा ध्यान कैसे आ गया आपको? आप तो सदैव ही मेरे ध्यान में रहते हैं महाराज कंस। सत्य तो ये है कि मथुरा में जो भी हो रहा है मुझसे छिपा हुआ नहीं है। मैं जानता हूं कि आप किसी भी असुर को वृंदावन क्यों ना भेजें, और वो असुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कृष्ण का सामना नहीं कर पाता। या तो पराजय स्वीकार करके आपके पास लौट आता है, या तो फिर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वाह, मुझे मेरी असफलताएं स्मरण कराने आए हैं, मेरे घाव को खुरेदने आए हैं, उन पे नमक छिड़कने आए हैं। मित्र को शत्रु समझने की भूल मत कीजिए महाराज कंस, मैं तो आपकी सहायता करने आया हूँ। हाँ, और मेरी सहायता। कृष्ण विष्णु अवतार है, आप विष्णु के भक्त हैं। मैं हूं विष्णु द्रोही, फिर भी
जो आपके आराध्य को हानि पहुंचाना चाहता है उसकी सहायता करना चाहते हैं आप? क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप ब्रह्मांड के सभी नियमों को अच्छी तरह समझते हैं? अवश्य। आपके लिए बस इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके लिए मेरे व्यक्तिगत कारण हैं। मैं तो बस आपके हित में पिछली बार की तरह एक सुझाव लेके आया था, पर यदि आप मेरा सुझाव सुनना भी नहीं चाहते तो आपकी इच्छा। नारायण हरि, नारायण हरि। कारण चाहे जो हो, इनके पिछले सुझाव के कारण ही आज मेरे शत्रुओं की संख्या कम है, अन्यथा मैं देवकी के अन्य पुत्रों को भी जीवित छोड़ देता और आज वो सब अपने भाई के साथ मिलकर उसकी शक्ति को अनेक गुणा बढ़ा देते। ठहरिए देव ऋषि। बताइए क्या सुझाव है आपके पास? मेरे सुझाव का नाम है कालिया नाग। उसके विषय में मैं जानता हूं देवर्षि। समस्या ये है कि मैं स्वयं उससे मिलने नहीं जा सकता, उससे भेंट नहीं कर सकता। उस कृष्ण की हत्या के लिए उसको वृंदावन जाने के लिए तैयार नहीं कर सकता। तो मत जाइए उसके सामने और ना उसे भेजिए कृष्ण के सामने। हर बार आप किसी ना किसी असुर को अपने शत्रु के क्षेत्र में भेजते हैं, जहां शत्रु उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और आपका असुर मारा जाता है। इस बार शत्रु को युद्ध स्थल चुनने का अवसर मत दीजिए महाराज। इस बार योजना का जाल ऐसे बुनिए कि कृष्ण स्वयं उसके पास जाने के लिए विवश हो जाए। कालियानाग स्वयं काल है, मृत्यु का दूसरा नाम है। उसके विष का उपयोग अपने लाभ के लिए कीजिए महाराज। वैसे कालिया के विष की अधिकता का अनुमान तो होगा ही आपको। एक बार जो उसके क्षेत्र में पहुंच गया, फिर उसके विष से बचना असंभव है। उचित सुझाव है देवर्षि, उचित सुझाव है। देवर्षि, उस छलिया विष्णु की भक्ति करते करते आप भी उसके रंग ढंग सीख गए हैं। उचित है। उचित है। बस बस बहुत आनंद ले लियो लल्ला, बस अब दूध पी ले। ठहर ठहर, गर्म है। जी ले, ले। मैं ना होती तो ना जाने क्या होता तेरा। अपने आप दूध भी ना पी सकते है भावना कहीं का। आपकी इस प्रेम के लिए तो मैं धरती पर आया हूँ मैया। मैं भी यही सोच रहा हूँ यशोदा, कि तुम ना होती तो मेरा क्या होता। इसी बात पे थोड़ा दूध और काजू खाने को दे दो। अरे मैं तो भूल ही गई। तनिक ठहर जाओ जी, जी दूध पी लेना तो आपके लिए भी कछु ले आती हूँ। प्रणाम महाराज। आपकी आज्ञा के अनुसार बिल्कुल वैसा ही पत्र तैयार किया है जैसा आप चाहते थे। Thank you.
कृष्ण जन्म से लेकर आज तक ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका सफल होना निश्चित है दूत, किंतु केवल वही करना जैसा मैंने कहा है। जाओ। कान्हा, क्या होगो? बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैया की स्वामिता डिजिटल फ्रेम की वर्षा मुझ पे सरते ऐसे होते रहे। वो तो होती रहेगी लल्ला। अपने लल्ला के लिए किसी मैया का प्रेम कभी कम हो सकता है भला? नंदराज, वो मथुरा से एक दूत आयो है महाराज कंस का राजपत्र लेके। कान्हा, अब क्या करने वाला है? तेरे बाबा कहाँ गए? हाँ, कंस मामा का खेल आरंभ हो गया है, पर मैया वो सब सुनेगी तो वैरती चिंतित हो जाएगी। बस थोड़ा बाहर गया मैया, कछु खा लिए से। बाहर इस समय? मैया, क्या होगा? मैया देखो ना, पीठ पे कछु हो रहा है। मेरा हाथ ना पहुंचो, आप करो ना। दिखा यहाँ। क्षमा करना मैया, पर अभी बाबा को ही संभालने दो ये सब। कहिए, क्या संदेश लाए हैं आप? नहीं नंदराज, नहीं। महाराज कंस का आदेश है कि ये संदेश सभी गांव वालों के साथ ही पढ़ा जाए। ठीक है, मैं गांव वालों के सामने पढ़ दूंगा, पर मुझे तो दीजिए पढ़ने के लिए। महाराज की आज्ञा का पालन करना आपके लिए भी आवश्यक है नंदराज। सभी गाँव वासियों की सभा बुलाइए। बंसी, सभी गांव वालों की सभा बुलाओ। राजपत्र में ऐसा क्या संदेश भेजा है कंस ने? अब मेरे पत्र को पढ़कर सब भौचक्के रह जाएंगे। और वो कृष्ण, उस कृष्ण के पांव के नीचे से तो भूमि खिसक जाएगी, आकाश फट पड़ेगा, बिजलियां गिर जाएंगी। प्राप्ति, ओ प्राप्ति, कंस का पत्र है। स्वयं को बहुत अधिक शक्तिशाली समझता है ना वो। अब देखता हूं कैसे वो इस महासंकट का सामना करता है। वो कृष्ण, वो अपनी मृत्यु स्वयं चुनेगा या मृत्यु की वेदी पर चढ़ा देगा। प्रिय वृंदावन वासियों को। अब आएगा आनंद प्राप्ति, अब आएगा आनंद। सबको इकट्ठा करवा के ही पढ़वाएगो। अवश्य ही कोई विशेष संदेश दिया होगा कंस ने। मैं भी यही सोच रही हूँ सुलक्षणा जी। जी कछु ना कछु तो विशेष है, और जे हो क्या सकतो है? बात तो सही है, ऐसा का हो सकता है? सभी गांव वासियों के सामने कहा जाए, कछु तो विशेष अवश्य लग रहे हैं। बाहर तक कोलाहल क्यों हो रहा है? मैया, मैया, अब क्या होगा? मैया देखो ना, सर पे कछु हो रहा है। लल्ला, नारायण ने तुझे हाथ दिए है ना? पीठ की बात अन्य थी, अपने सिर की सेवा स्वयं कर। सर पे तो हाथ पहुंच रहा है ना? मैया सुनो ना, मैया देखो ना, तीव्र कर कछु हो रहा है। मैया देखो ना, तीव्र कछु हो रहा है। सब लोग आ चुके हैं, अपना संदेश सुनाइए आप। गोपराज नंद और सभी वृंदावन वासियों को सूचित किया जाता है कि
मथुरा अधिपति और आप सभी के महाराज कंस ने कल सुबह भव्य पूजा का आयोजन किया है। इसके लिए राज्य को वृंदावन के क्षेत्र के निकट यमुना नदी के मध्य में खिलने वाले एक कोटि कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। इसीलिए आप सभी को यह आदेश दिया जाता है कि ये सभी कमल के पुष्प प्रथम पहर से पहले राज्यसभा में पहुंचा दिए जाए। यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो इसे राज आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा और राजद्रोह के आरोप में आप सभी को कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। स्मरण रहे, यदि कल की पूजा में इन एक कोटि कमल के पुष्पों का ना पहुंचने के कारण कोई व्यवधान आया तो समस्त वृंदावन वासियों को दोषी माना जाएगा और पूरे गांव को निवासियों सहित धूल में मिला दिया जाएगा। कल प्रथम पहर तक का ही समय है आप सबके पास। एक कोटि कमल पुष्प, वो भी कल प्रथम प्रहर में, ऐसे कैसे संभव है? और कोई साधारण पुष्प ना, यमुना नदी के मध खिलने वाले विशेष कमल के फूल चाहिए उन्हें। लेकिन यमुना नदी में तो कालिया नाग ने विष घोल के रखा है, तो फिर कैसे हो पाएगा? यह संभव है, हमारी मृत्यु का संदेश भेजा राजा कंस ने। सदैव की भांति इस समस्या पर भी गांव के बड़े ही विचार करेंगे। बालकों का यहाँ होना उचित ना है। लल्ला, ले जे गेंद ले, जा अपने सखाओं के साथ खेल। सुबल उज्जवल मधुमंगल वसंता, देखो मैया ने क्या दिया है। चलो खेले, बहुत आनंद आएगा आज। मानो बंसी, जाओ और शीघ्र ही वो घेरे का कार्य समाप्त करो। पर कछु ना कछु तो करना पड़ेगा ना। पर हम कर ही क्या सकते हैं, पुष्प लाने को और कोई उपाय है भी तो ना। मैं चला जाऊंगा जमुना जी में, वैसे भी मेरे जीवन के कितने दिन शेष बचे हैं। गांव के लिए, समाज के लिए कुछ करके मरूं, तभी तो शांति मिलेगी ना काका। यदि आप उस विषैले जल में छलांग लगा भी दोगे किंतु एक कोटि कमल पुष्प एकत्रित कर पाना आपके लिए संभव ना है। इससे अच्छा है कि मैं चला जाऊं, यदि मैं मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई ना है। किसी को कहीं जाने की आवश्यकता ना है। गोप नरेश होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबकी रक्षा करूं। नंदराज, आपको जाना है तो जाओ, हरिया काका भैया सब चले जाओ, लेकिन आपको पता है वहां का जल कितना विषैला है। आप लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे, फिर कैसे इकट्ठा करेंगे एक कोटि कमल पुष्प? आप बात तो सही कह रही हैं शांति, उस दुष्ट कंस ने ऐसी मांग रख के हम सबको फंसा दियो। हम में से कोई भी क्यों ना चला जाए, अरे इस संकट का समाधान ना निकले को। कान्हा, बताना कौन सा खेल खेले। गेंद पकड़ खेल के आए, पर एक बात सुन लो सब, कोई भी तीव्र गति से ना फेंको गेंद को। मैया ने स्विम बनाई है मेरे लिए, सब तैयार हो? हाँ। कान्हा, इतनी धीरे से फेंकेगो
को कैसे आनंद आएगा? थोड़ा बल लगा के फेंक। हाँ काना, हम अभी बड़े हो गए हैं, तू अब भी छोटे बालकों की तरह फेंक रहे हो। दीदी जी क्या करो काना, गेंद तो डूब गई। अच्छा तो ये सब इसकी योजना का भाग था ताकि ये कालिया का सामना कर पाए। तुम सबने तो कही थी तीव्र गति से देखो देखो फिकवा दी ना मेरी गेम मुझसे नदी में, अब मुझे जाके लानी पड़ेगी। रुक जा काना, रुक जा काना। जे क्या बोल रहे थे काना, इसमें तो बहुत संकट है। कोई भी संकट मेरी मैया का उपहार खोने से बड़ा ना है, बहुत प्रेम से बना के उन्होंने दी थी। हे नारायण, कोई उपाय समझ में ना आ रहा है। मैया हम कैसे करेंगे हम अपने गांव की रक्षा? कीड़े पड़ेंगे उस दुष्ट को, यदि उसके कारण किसी के प्राण चले गए तो कौन सा फल मिलेगा उसे इस पूजा का? तुम सही कह रही हो यशोदा, और हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प भी तो ना है। यदि हमने मथुरा की राज आज्ञा का पालन ना किया तो इसका दुष्परिणाम पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। पता है कि तो भगवान है, दिव्य है, बहुत शक्ति है तुझमें, पर फिर भी हम तुझे विषैले जल में ना जाने दे सकते। उस होगा तो तुम सब इतनी हट कर रहे हो तो ठीक है, ना जाऊंगा। गेंद कहाँ गिरी है, कितनी दूर गई है ये तो देख लूं, ताकि उसे बाहर निकालने का कोई उपाय ढूंढ पाऊं। कान्हा की ये लीला तो समझ ही नहीं आ रही। पहले इसने देवश्री नारद को मथुरा जाकर कंस को भटकाने के लिए कहा, फिर स्वयं ही दुखी भी हो गया कि अब इसका रहस्य सबके सामने खुल जाएगा। और अभी स्वयं ही तो इसने कहा था कि गेत बहुत महत्वपूर्ण है, फिर स्वयं ही उसे नदी के विषैले जल में फेंक दिया।